क्या कहा जाए, अब ऊर्जा मंत्री जी खुद ऊर्जा विहीन हो गए हैं। अब जो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, तो नीतीश कुमार जी का शब्द अगर यूज कीजिए तो अंडबंड बोलते हैं। उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य अब इतने बुजुर्ग ऊर्जा मंत्री जी हैं, बुजुर्ग, अब क्या कहा जाए उनके बारे में, लेकिन अंडबंड बोलने की बात इसलिए ऐसा बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, कटिहार मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, जहां बिहार की सियासत गर्म दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा का भी इसी कड़ी में गुस्सा फूटा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी नेताओं पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, तो क्या बीजेपी के नेता ही गोली चला रहे थे, क्या बीजेपी के नेता को ही गोली लगी। वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र यादव पर भी बड़ा बयान दे दिया। क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं, बीजेपी के लोगों ने गोली मार दी या गोली खाने वाले बीजेपी के लोग। वहाँ देखिए, जो कटिहार में जिन कारणों को लेकर आक्रोश हुआ, उस तरह का कारण आज पूरे बिहार में है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही, वर्षा नहीं होने के कारण पूरे तौर पर सुखाड़ की स्थिति है। अब जहाँ सुखाड़ की स्थिति है, उसमें सिंचाई का एकमात्र उपाय बिजली पर निर्भर होकर करना है। अब बिजली अभी नहीं रहेगी तो आक्रोश तो लोगों में होगा, और उस तरह का आक्रोश व्यक्त करने के लिए जब सड़क पर लोग निकलते हैं, जैसा कि कटिहार में लोग निकले, अब उनको गोली मारती है पुलिस, मौत होती है, और फिर बात को लोग इधर से उधर करते हैं। वहाँ की घटना पर सरकार का ध्यान अविलंब जाना चाहिए, और पूरे बिहार में जो आक्रोशित लोग हैं, किसान लोग, उनके लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ की घटना के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। सीधे बात को इधर से उधर कह के टाल देना यह मुनासिब नहीं। ऊर्जा मंत्री, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मांग आप लोग प्रदर्शन करिएगा तो आप लोग पर लाठी और गोलियाँ चलेगी ही चलेगी। क्या कहा जाए, अब ऊर्जा मंत्री जी खुद ऊर्जा विहीन हो गए हैं। अब जो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, तो नीतीश कुमार जी का शब्द अगर यूज कीजिए तो अंडबंड बोलते हैं। उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य अब इतने बुजुर्ग ऊर्जा मंत्री जी हैं, बुजुर्ग, अब क्या कहा जाए उनके बारे में, लेकिन अंडबंड बोलने की बात है इसलिए ऐसा बोलते हैं। वरना आंदोलन करना तो जनतंत्र में सबका अधिकार है। अब कोई आंदोलन करे, उस पर गोली चलाए, वो भी मंत्री उस तरह की बात करे। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पर जो जेडीयू आरोप लगा रही है, तो क्या बीजेपी के नेता गोली चला रहे थे, क्या बीजेपी के नेता को ही गोली लगी, ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि विजेंद्र यादव जो कि ऊर्जा मंत्री हैं वो ऊर्जाहीन होते जा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।